गुरुवार को एक अस्पताल की लापरवाही ने 28 साल के युवक की जान ले ली। मृतक युवक श्री कृष्ण धाम बस्ती का रहने वाला राहुल इवनाते है, जिसे सुबह अचानक से सीने में दर्द के चलते मानकापुर चौक स्थित कुनाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने पहले तो उसे मृत घोषित कर दिया, फिर जब परिजनों ने मृतक की ECG रिपोर्ट मांगी तो अस्पताल वालों ने किसी अन्य की रिपोर्ट थमा दी। परिजनों के कहने पर जब राहुल का फिर से ECG कराया गया तो वह जिंदा था, लेकिन जब तक उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यह मामला मानकापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का है। जब परिजनों के ध्यान में आया कि यह राहुल की नहीं बल्कि किसी अन्य महिला की ECG रिपोर्ट है, जिसमें उनका नाम काट कर राहुल का नाम लिख दिया गया है, तब परिजनों ने डॉक्टर को तुरंत उनकी गलती बताई और राहुल की ECG करने को कहा। ECG रिपोर्ट में जांच में सामने आया कि वह जिंदा है तो उसे तुरंत कुनाल अस्पताल से निकाल कर मेयो में ले जाया गया। इस संबंध में मृतक के परिजनों का कहना है कि बहू आपका नाम क्या है और जो जिनकी डेथ हुई वो आपके कौन थे और पूरा क्या हुआ था माजरा अपने वहाँ हॉस्पिटल में क्या हुआ, कौन डॉक्टर था जी आप बताइए। मेरा नाम सागर राजेश बेसरे है, मैं शिवकृष्णराम कोराड़ी में रहता हूँ। मेरे दोस्त को आज सुबह 10:30 बजे के करीब में चेस्ट पेन हुआ। चेस्ट पेन होने के बाद सब बस्ती वाले आए। बस्ती वाले आने के बाद में हमने बोले इसको ज़्यादा दर्द दे रहा है तो अपन हॉस्पिटल लेके चलते, और हमारे यहाँ से धाम से बोले तो सबसे पहले हॉस्पिटल कुनाल हॉस्पिटल पड़ता है, तो हमने सोचे कि फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो बच जाएगा करके। उसको ज़्यादा दर्द हो रहा था तो हम लोग कुनाल हॉस्पिटल लेके गए। लेके जाने के बाद 11:30 के करीब हमने वहाँ तक उसको पहुँचा दिए। पहुँचने के बाद डॉक्टर ने फर्स्ट ट्रीटमेंट चालू करे, उसका ECG लिए, हमारे को 15 मिनट टालमटोल करे कि आप रुको आपके पेशेंट के भी चालू है, दरवाज़ा लगा दिया, हमारे को कुछ बताया नहीं। 15 मिनट के बाद डॉक्टर आके बोलता है कि ये कौन था, इसकी मम्मी को लेके आओ करके। तो उसकी मम्मी को मैं लेके आया और मम्मी को बोलता है कि वो डेथ हो गया करके, डिक्लेयर हो गया, कुछ भी इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है। तो मैंने बोला सर, बोला मेरे को आप ECG कुछ तो दीजिए कि हम बता सके कि आगे में क्या है। तो ECG देने से वो इनकार कर रहा था, तो उन्होंने बोले आप रुको, बोले 5 मिनट के बाद में आपको ECG निकाल के देता हूँ। तो उन्होंने हमारे को ECG दिए, ये फीमेल की, मेरा पेशेंट मेल था, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये फीमेल की उन्होंने दिए। तो मैंने उनको बोला, मेरा माथा था कि भैया फीमेल पेशेंट हमारा मेल पेशेंट है, ये फीमेल की हमको। इस अफरा तफरी और अस्पताल की लापरवाही से हुई देरी के चलते राहुल की मौत हो चुकी थी। अस्पताल की लापरवाही से राहुल की जान चले जाने से परिजनों का गुस्सा कुनाल अस्पताल पर फूटा। उन्होंने अस्पताल जाकर तोड़फोड़ शुरू की। मानकापुर पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक राहुल बलराम इवनाते त्याच्या छातीत दुखत असल्यामुळे त्याला कुनाल हॉस्पिटलमध्ये इथे आणलं होतं त्यांच्या नातेवाईकांनी। त्याला तिथे आणल्यानंतर त्याचा ECG करण्यात आला। ECG नंतर त्यांना समाधान झालं नाही पेशंटच्या नातेवाईकाचं, म्हणून त्या कारणावरून त्यांनी तिथे तोडफोड केली आणि परत त्याला मेओला घेऊन गेले। आता त्या याच्यावरून पुढील कारवाई करत आहोत। मृतकाचं पोस्टमार्टम केल्यानंतर सगळ्या गोष्टी क्लिअर त्याच्याबद्दल त्याच्याबद्दल आता काहीच सांगता येणार नाही आहे। ते सगळं चौकशी करून पुढच्या जे काही टेक्निकल गोष्टी आहेत त्याच्यावर नाही, आत्ता आम्हाला फक्त त्यांनी माहिती दिली आहे, जे ॲप्लिकेशन दिलेलं आहे मृतकांच्या नातेवाईकांनी त्याचीसुद्धा चौकशी होईल आणि हॉस्पिटलमध्ये तोडफोड केल्याबद्दलची माहिती आहे त्यावरसुद्धा कारवाई। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।